हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। इस सीरीज़ में, जो कि हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसमें आज हम एक नया चैप्टर लेके आपके सामने उपस्थित हैं। चैप्टर का नाम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बेहद आसान टॉपिक आप इसे समझते हैं, लेकिन अगर इसे रिवीजन ना करो तो ये भूल जाता है। इसलिए आसान है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा मेडिकल एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे इससे सवाल ना बनता हो। फैक्ट बेस्ड है तो इसलिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, उनको करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर वन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन ड्यूरिंग कर्ड। तो ये सेंटेंस जो आपका है ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही है जो मतलब कर्ड में कन्वर्ट करता है मिल्क को, थोड़ा सा डाइजेस्ट करके। कर्ड इज़ लेस न्यूट्रिशियस दैन मिल्क। अब देखिए, जब भी कर्ड बनता है तो विटामिन B12 की का अमाउंट बढ़ जाता है, उसकी जो क्वालिटी है इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन मिल्क काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। चीज़ इज़ पार्शियली डिग्रेडेड एंड कंसनट्रेट ऑफ द मिल्क फैट एंड मिल्क फैट। अब ये वर्ड जो आ गया ना, मिल्क फैट, तो ये काफ़ी हद तक सही स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, और मतलब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लार्ज होल्ड स्विस चीज़ इज़ राइपेंड बाई द फंजाई माइक्रोबैक्टीरियम सरमानी। तो देखिए, लार्ज होल जो स्विस चीज़ में बनता है वो फंजाई से नहीं बनता, वो किससे बनता है? वो आपका बनता है बैक्टीरिया से, याद रखिएगा। किससे बनता है? बैक्टीरिया से। तो और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? प्रोपियानी बैक्टीरियम सरमानी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर शुड बी बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। अब ये सवाल आप चाहे यहाँ से करिए, चाहे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से करिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला ऑप्शन बैक्टीरिया, सिर्फ जिसमें प्रोटीन हो, ओनली प्रोटीनिशियस, गलत हो गया। दूसरा एक्टिनोमाइसिटीज, नो। फंजाई, नो। प्रायोन्स, आप इसमें मैड काउ डिजीज भी पढ़ते हैं, प्रायोन्स में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन होता है और इन्फेक्शियस एजेंट होता है। तो आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई ABCD इन टेबल गिवन बिलो। तो आप अब तक थोड़ा देर में आप आंसर निकालिए, तब तक मैं आपको इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजिकल नेम्स हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्ट हैं, आप आंसर दे सकते हैं। तो ए में, अब समझना है कि सैक्रोमाइसिस है, इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि यूनिसेलुलर जो फंजाई है जिसका नाम है ईस्ट, वो ऐसा काम करता है, याद कर लीजिएगा। यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट ऐसा फंक्शन करता है। बैक्टीरिया, अब दूसरा ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है और ये ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर ये ब्यूटारिक एसिड कर रहा है तो ये क्या होगा? क्लॉस्ट्रिडियम। फंजाई है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम है, तो ये क्या कर रहा होगा? ये आपको प्रोड्यूस करके दे रहा होगा साइक्लोस्पोरिन ए, आपने पढ़ा होगा साइक्लोस्पोरिन ए। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकॉकस, अब अगर बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकॉकस आपको ये प्रोवाइड, मतलब स्ट्रेप्टोकॉकस बायोलॉजिकल नेम है इसका, तो अब देखना होगा कि ये क्या करता है। तो आप याद कर लीजिएगा, ये स्ट्रेप्टोकाइनेस देता है, तो ये मैच करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीसेलर है तो गलत हो गया, बैक्टीरिया नहीं, फंजाई नहीं, यूनिसेलर। आसान सवाल था लेकिन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तभी ये सवाल लग पाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए, स्टेटन आपके सिलेबस में है लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस इन्फॉर्मेशन को भी अपने दिमाग में शामिल करके रखें। पहला पॉइंट है, स्टेटिन आर प्रोड्यूस्ड बाय सम ईस्ट। जो स्टेटिन है ये कुछ ईस्ट से बनता है, बिल्कुल वनस्पति परिवेश। तो आप ये सेंटेंस आपका जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टेटिन आर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, बिल्कुल सही है। स्टेटिन रिजेंबलेंस मेवोलोनेट, देखिए स्टेटिन मेवोलोनेट से रिजेंबलेंस शो करता है। और एक एंजाइम जिसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लुटारिल कोएंजाइम ए रिडक्टेज, शॉर्ट में HMG कोएंजाइम ए कहते हैं, इसको कंप्लीट करता है और मेवोलोनेट पाथवे को रोक देता है, जिससे कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता
और ब्लड कोलेस्ट्रॉल घट जाता है। तो ये इस तरीके से मैकेनिज्म है इसके। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों ऑप्शन आपके सही हो गए। स्टेटिन आर इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, जी नहीं, ये इम्यूनो सप्रेसिव नहीं है, वो तो साइक्लोस्पोरिन ए होता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट हो जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर का ए। क्वेश्चन नंबर फाइव, ये इस सवाल को करने के पहले भी हम आपसे एक बात कहेंगे कि ये सारे टर्म जो दिए हुए हैं, चाहे वो लाइपेज हो, चाहे वो पेक्टिनेज हो, और चाहे वो प्रोटीजेज हो, और चाहे वो स्टेटिन हो, ये सारे दिए हुए हैं, लेकिन कुछ का ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि किससे ऑब्टेंड होता है, बाकी का नहीं पता। तो मैं चाहूँगा कि आप जरूर याद करके रखें। सवाल तो आप कर लेंगे, आपने स्टेटिन पढ़ा है, स्टेटिन कहाँ से मिलता है, मोनास्कस पर्पुरियस, तो बाकी तो तीनों गलत हो गए, इसी से हम आंसर कर लेंगे। बट मेरी ये इच्छा है कि आप इसको याद भी करें। लाइपेज ऑब्टेंड फ्रॉम कैंडिडा लेपोलिटिका, पैक्टिनेज ऑब्टेंड फ्रॉम एस्पिजिलस नाइगर, प्रोटीजेज ऑब्टेंड फ्रॉम मॉल्टेरेला और रेनिस्पोरा। क्यों याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा फाइव का, डी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट वाटर जो है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में कैसे इसमें ट्रीटमेंट होता है, एसटीपी मतलब कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया नेचुरली पाए जाते हैं, जो कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं, उन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे अच्छे खासा एरेशन प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि वो विग्रेसिव मतलब भयानक रूप से ग्रोथ कर लेते हैं और पर्टिकुलर सीवेज ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बीओडी को घटा देते हैं और ऑक्सीजन मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्टेंट बढ़ा देते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक, जी नहीं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा, ये तो गलत है। कल्चर्ड नहीं करते, वहाँ पे नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, वो वाले हो जाएंगे। आंसर शुड बी डी। इन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज, अब प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसा होता है, ये फिजिकल है सब, इसमें कुछ चीज़ें रिमूव कर दी जाती हैं, विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल फ्रॉम। अब देखिए फ्रॉम क्या होगा, इसमें फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन भी करते हैं और सेडिमेंटेशन का आपने पढ़ा होगा, कुछ चीज़ों को छान लेते हैं, कुछ चीज़ें नीचे जम जाती हैं, तो फिजिकल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन में देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो यस है। केमिकल बायोलॉजिकल ये बात नहीं करनी, ये तो गलत पॉइंट है हमारे, तो ये तीन के तीनों गलत हो गए, सिर्फ एक आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर एट, द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट ऑन फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड, बहुत आसान सवाल है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट ने एक इनिशिएट किया एक प्रोग्राम, वो प्रोग्राम कौन सा था, हर बच्चे को याद है जिसने ये चैप्टर पढ़ा होगा, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन नंबर जो क्वेश्चन आपका है बेहद आसान सा है और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पे वेस्ट सवाल है ये। अब देखिए इसमें आपको पूरी चीजें अगर याद होंगी तो ये सवाल लगेगा। तीन स्टेप में हम इसको पढ़ते हैं जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में। देखिए जब हम शुरुआत में एक पहले टैंक में लेते हैं तो एक इफ्लुएंट होता है ऊपर वाला, ये हमारा हो जाता है प्राइमरी इफ्लुएंट, और जो नीचे होता है वो क्या हो जाता है, नीचे जो जम जाएगा दिस इज स्लज, आप इसे प्राइमरी स्लज भी कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं इसको, और फिर ये जो ऊपर फैल जाएगा, ऊपर रहेगा, वो सेकेंडरी इफ्लुएंट होगा, और जो नीचे चला जाएगा वो एक्टिवेटेड स्लज आता है, याद रखिएगा, गलत मत करना भाई, एक्टिवेटेड स्लज होता है। और तीसरे में हम टर्सरी, ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाता है, इसमें कुछ चीज़ें हमारी जम जाती है नीचे जो फिल्ट्रेशन के द्वारा, और कुछ चीज़ें हम निकाल के बाहर करते हैं, जो ऊपर बचता है वो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है। और टर्सरी ट्रीटमेंट में हम कुछ केमिकल मिला देते हैं, जैसे आप इसे क्लोरीन वगैरह काउंट कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है। तो आपका आंसर प्राइमरी स्लज नहीं, ये बात तो गलत है, प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी स्लज, सेकेंडरी इफ्लुएंट, एक्टिवेटेड स्लज, ओके यस इट इज द राइट आंसर, एंड फिजिको केमिकल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कह रहे हैं, पहले तो हम इसको मिटा दें जिससे कि आप देख पाएं सवाल, कह रहे हैं कि क्या सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बीओडी इन ए वाटर बॉडी राइजेज इफ सीवेज गेट्स मिक्स, बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा सीवेज होगा उतना बीओडी होगा, बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कॉन्टेंट बढ़ना। तो बीओडी इज हाई फॉर पॉल्यूटेड वाटर हैविंग हाई ऑर्गेनिक लोड, यस ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, लेकिन शुरुआत में जब मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें मतलब बीओडी का होती हैं, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो चूँकि बैक्टीरिया है तो उसकी भी जब उस अमाउंट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं
वो भी थोड़ा सा घटा देता है मतलब ऑक्सीजन को, तो बीओडी लिटिल बिट घट बढ़ जाती है तुरंत, लेकिन फिर बाद में घट जाती है। तो इन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लान ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट इनिशियली राइजेज एंड देन फॉल्स। आंसर शुड बी डी, कंफ्यूज मत होना इससे। क्वेश्चन नंबर 11, बायोगैस प्रोडक्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ। तो बायोगैस प्रोडक्शन किससे होता है? ये मेथनोजन से होता है, आर्की बैक्टीरिया, और ये एनारोबिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पहला मेथनोजेंस, दूसरा एनारोबिक। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि ये बैक्टीरिया कैटल्स के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है ये एनारोबिक होते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मेथनोजेंस और एनारोबिक, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन की एक टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी कौन सी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। अब ये भी आपको याद ही होना चाहिए, ये फैक्ट है, और जब ये याद होगा तभी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देखिए, कन्फ्यूज़ करने के लिए भी एग्जामिनर प्रयास करेगा। एक ऑप्शन दिया हुआ है KBIC एंड IARI, एक ऑप्शन दिया हुआ है नीरी RRI, एक दिया है KBIC और नीरी, और एक दिया है IARI या नीरी। तो आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, ए। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, खादी बिलज इंडस्ट्रीज कमीशन, और दूसरा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, NCERT में लिखा हुआ है। तो ये आसान सा सवाल। दूसरा, मेथनोबैक्टीरियम एक्ट एनारोबिकली, देखिए अभी पीछे हमने कहा था एनारोबिकली, तो यस एनारोबिकली ऑन सरलोज, मतलब कहीं ना कहीं कैटल्स वाली बात आ गई। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, यही याद कर लेना साहब, ये बायोगैस प्रोड्यूस करेगा। और इसमें क्या क्या होता है? तो CH4 होता है, CO2 होता है, H2 होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, याद रखिएगा। तो H2S भी होता है। तो आंसर शुड बी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, क्या बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल हो सकता है? तो एजेटोडेस्मिक ब्लूगर्नल की, देखिए जो लाइकेन के साथ एसोसिएशन होता है, तो लाइकेन एजेटोडेस्मिक होता है, जो लाइक ब्लूगर्नल की उसमें होता है, तो कुछ लाइकेन नाइट्रोजन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। तो एक बात तो ये सही हो गई, एजेटोडेस्मिक ब्लूगर्नल की। दूसरा, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स, सबको पता है माइकोराइजल फंजाई। हम यहाँ पे आंसर आपको पता है कि चूंकि कई लोग हमें दिख रहे हैं जो कि कंटेंट बढ़ा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, कई लोग नाइट्रोजन की उर्वरा शक्ति बढ़ा रहे हैं, तब फर्टिलाइजर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अगला सवाल, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स। अब याद करिए, जहाँ पे केमिकल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है, किसी को नेचुरली मारना है, उनके पेस्ट से मारना है, लेकिन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, उनका प्रेडेटर लाके उनको मारना है, ऐसा कुछ बना लें वैरायटी की जो रेजिस्टेंट हो जाएं, ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है। तो अब आंसर आ गया होगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड, बायोफर्टिलाइजर, यूज ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट, किसी भी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए नॉन सिम्बियोटिक बायोफर्टिलाइजर इज, कौन सा बायोफर्टिलाइजर नॉन सिम्बियोटिक है? देखिए, हमें पता है राइजोबियम नहीं हो सकता, राइजोबियम नहीं हो सकता, फ्रेंकिया नहीं हो सकता। अब आंसर हमने कर लिया बी, राइजो एजोस्पर्म एंड एजोटोबैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर इन द राइस फील्ड, बताइए आंसर, राइस फील्ड। अब देखिए, आसान सा सवाल हो गया, ना ग्लोमस होगा, ना न्यूरोस्पोरा होगा, ना राइजोबियम होगा, सिर्फ हमको पता है एनाबिना, और एनाबिना में भी कौन सा? एनाबिना एजोली, आप चाहें तो लिख ले, एनाबिना एजोली, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, तो द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ प्लांट रूट एंड फंजाई इज कॉल्ड माइकोराइजा इन्वॉल्विंग फंजाई ग्लोमस, एक बात और लिख लेना, ये फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, इट इज कॉल्ड लाइकेन, बेकार की बात है। अगला, इट इज कॉल्ड माइकोराइजा इन्वॉल्विंग फंजाई न्यूरोस्पोरा, आगे के पॉइंट सारे बेकार के हैं। 18 का आंसर ए। फाइंड आउट द ऑड मैच, ऑड मैच मत करिए, मतलब जो इन तीनों चारों ऑप्शन में और से अलग हो, हो सकता है तीन गलत एक सही हो, या हो सकता है तीन सही गलत हो। आइए क्वेश्चन नंबर इसी में, पॉइंट वन, वैम। अब जो आपका वैम है, ये वैम का क्या मतलब है? ये बायो फर्टिलाइजर हो सकता है, ये जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो अब्जॉर्ब भी करेगा। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, मेथनोजेंस होते हैं। ब्लूग्रेनल्गी इंक्रीज सॉयल एल्कलिनिटी, जी नहीं, ये नाइट्रोजन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, ना कि एल्कलिनिटी को बढ़ाते हैं, तो ये गलत हो गया। लेडी बर्ड बीटल बायो कंट्रोल एजेंट, तो सिर्फ सी आंसर है जो अनयूजुअल है, बाकी सारे सही हैं। अगला सवाल,
स्मॉथर क्रीप स्मूथ कह सकते हैं आप इसे, स्मॉथर क्रॉप डू नॉट अलाउ वीट टू ग्रो नियर बाई। ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी है कि अगर उसमें क्रॉप्स में स्मूथ हैं तो वो ग्रो नहीं करने देंगे वीट्स को। ओकरा इज अ टाइप ऑफ कैच ट्रैप क्रॉप, ये पहले सवाल आता था, अब ये लाइन नहीं पूछी जाती है, बट मैं भी चाहूँगा कि आप ये याद रखें। कैच ट्रैप क्रॉप फसलों मतलब फंसा लेता है उसको। बीटी कॉटन इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट, हमें लगता है हर बच्चे के जुबान पे ये आंसर होगा। बीटी कॉटन कैसा है, ये ट्रांसजेनिक प्लांट होता है। ओके, आलोसेरा इज द मोस्ट एक्टिव सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इंडियन वीट फील्ड, जी नहीं इंडियन राइस फील्ड, इंडियन राइस फील्ड होता है, याद रखिएगा। एजोला इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, जी नहीं साहब एजोला ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं होता है, एजोला फर्न है और इसे वाटर फर्न कहते हैं। एना बिना एजोली से कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपका 4 पॉइंट गलत, 5 गलत, तो आंसर 20 का क्या हो जाएगा, ए 1 2 3 और करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहद कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 21, ट्राइकोडर्मा इज अ सिम्बियोटिक एल्गी, बोलिए क्या ये एल्गी है, नहीं ये फंजाई है, तो एल्गी नहीं है, गलत हो गया। ड्रैगन फ्लाई आर बायोकंट्रोलोजन, ठीक है। बैसिलस थुरिंजियंसिस स्पोर आर मिक्स्ड इन अल्कोहल, जी नहीं मिक्स इन वाटर और उसके बाद फिर इसका छिड़काव करते हैं। बैक्लोवायरस अटैक आर्थोपोड एंड अदर इंसेक्ट, ठीक है। न्यूक्लियोपाइलोहाइड्रेस हैव द स्पीसीज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नो बॉस ये नैरो स्पेक्ट्रम होता है, नैरो स्पेक्ट्रम बहुत ही कम रेंज में काम करता है। तो फर्स्ट रॉन्ग एंड फिफ्थ रॉन्ग, टू थर्ड फोर्थ आंसर, आंसर शुड बी बी। अच्छा सवाल है, मैं चाहूँगा आप इसे याद रखें। 22, एलोसेरा इज द मोस्ट एक्टिव नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर इन द राइस फील्ड। अब आप देखिए और पॉइंट भी पढ़ लेते हैं ना कि क्या ऐसा है, और भी पॉइंट्स इसके सही हो सकते हैं, फिलहाल ये ठीक लग रहा है मुझे। कभी कभी ये सिम्बियोटिक भी होता है, लेकिन आप जानते हैं इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी होती है, कुछ जगह अलग अलग है, तो फिलहाल आंसर ठीक है। ट्राइकोडर्मा इज ए फ्री लिविंग फंजाई कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम एंड एफेक्टिव अगेंस्ट सेबरल प्लांट पैथोजन, याद रखिएगा एफेक्टिव अगेंस्ट सेबरल प्लांट पैथोजन। आंसर कर लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 22 का, सी आंसर हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट और है कि कोलिगो इज ऑप्टेंड फ्रॉम ए ब्लू ग्रीन एल्गी, कोलिगो कहां से ऑप्टेंड होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी से। लेकिन पॉइंट यह है कि कोलिगो क्या है, कोलिगो एक माइक्रो हर्बिसाइड है, मार्क कर लीजिएगा, कोलिगो एक माइक्रो हर्बिसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखिए, द विटामिन व्हिच कंटेंट इंक्रीज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, आसान सा सवाल है, विटामिन B12 आंसर कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक इन द विदाउट डिस्टिलेशन, तो वाइन एंड बियर, वाइन एंड बियर दो वेयर ऐसी जो दो ऐसी बेवरेज हैं जो विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा 24 का, सी नो ए देवर वाइन एंड वियर। क्वेश्चन नंबर 25, फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड इन, फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कहाँ इस्तेमाल होता है। अब तक तो हमें याद हो गया होगा कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये बायो कंट्रोल एजेंट में इस्तेमाल होता है, मार्क कर लीजिए, आसान सवाल है ये भी। नेक्स्ट अगला, माइकोराइजा डज नॉट हेल्प इन होस्ट प्लांट इन। अब देखिए माइकोराइजा के बारे में हमको कई पॉइंट पढ़ने होते हैं, तो एक पॉइंट ये भी है कि माइकोराइजा जो हमारा है ये फास्फोरस को अपटेक करता है, यस ग्लोमस, इंक्रीज टॉलरेंस, सूखे में टॉलरेंस बढ़ाता है, ठीक है, इनहेंसिंग द रेजिस्टेंस टू रूट पैथोजन, उससे ही बचाता है क्योंकि रूट के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा कोई भी ऑर्गेनिज्म तो जल्दी उसको अटैक नहीं कर पाएगा। इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, यही आपका गलत होगा, नॉट पूछ रहा। क्वेश्चन नंबर 27, विग होल्स इन स्विस चीज आर मेड बाई, जो स्विस चीज में प्रोपियोनी बैक्टीरियम सर्वानी वाला जो है वो किसकी वजह से होता था। अब देखिए आंसर आ गया, एक मशीन से जी नहीं, एक बैक्टीरिया से, यस
एक दूसरा बैक्टीरिया, तो कह रहे हैं ए बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेथेन गैस, नहीं सर, ए बैक्टीरियम प्रोड्यूसिस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यस ये आपका आंसर होगा, फंजाई नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, पीछे भी शायद हमने ऐसे सवाल की बात करी थी। क्वेश्चन नंबर 28, द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मिथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल्स डंग इज, जो बच जाता है उसका इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए करते हैं, कैटल्स डंग का, मिथेन का प्रोडक्शन के बाद जो बचता है तो उसका इस्तेमाल हम मैन्योर के रूप में करते हैं, यूज एज खाद या मैन्योर। एंटीबायोटिक्स आर अ ड्रग कॉमनली यूज टू क्योर डिजीज ऑफ, अब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किस डिजीज के लिए करते हैं, तो बैक्टीरिया के लिए करते हैं, आपको पता होगा। काउडंग इज अप्रोप्रिएट यूज एज, काउडंग का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं, तो खाद के लिए मेनली किया जाता है, ये बात आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 31 याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 में 30 का आंसर बताइए, कर लिया, ओके 31, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर द वन विच अटैक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन से होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ पैथोजन को अटैक करें, और जो कम रेंज को अटैक करते हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो 31 का आंसर क्या कर लिया, बी। लैक्टोबैसिलस मीडिएटेड चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड अकर्स ड्यू टू कोगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क, कोगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क फैट चीनी, कोगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, केशिन लिखा होता तो करते, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला वर्मी कंपोस्ट, ये भी सवाल यहां पे बनता है कि वर्मी कंपोस्ट इज ए इको फ्रेंडली बिकॉज, अब वर्मी देखिए इको फ्रेंडली कोई चीज कब होती है, जब वो पर्टिकुलर चीज की क्वालिटी पे नुकसान ना पहुंचाए, जैसे हम लोग कहते हैं इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली क्या मनाइए, मतलब पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो क्या मतलब हुआ कि अर्थवर्म कंज्यूम लेस फूड एंड, नहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, अर्थवर्म कंज्यूम लेफ्ट ओवर द प्रोड्यूस वर्म कम, देखिए आप सीधे आंसर डी पढ़िएगा, वर्मी कंपोस्ट डज नॉट अल्टर सॉयल क्वालिटी अनलाइक सिंथेटिक फर्टिलाइजर, जब भी हम कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं किसी भी खेत में तो उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग में पर्टिकुलर सॉयल की क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई टू करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अगले दोनों स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट पहचान के बताइएगा, 34 में तो कह रहे हैं ये एक्चुअल में फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन है, तो फैक्ट में कोई चेंज होता नहीं है, अमूमन आप जानते हैं, रेनिन इज इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस बाय द म्यूकर पसलिस, याद करना पड़ेगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट स्यूडोमोनास पुरिटा, जी नहीं ये स्यूडोमोनास पुरिटा बायोटेक का पार्ट है, स्ट्रेप्टोकाइनेज अलग से मिलता है, अभी हमने पीछे बात किया था, तो सेकंड गलत हो गया। एल्कलाइन सेरीन प्रोटीजेस इज प्रोड्यूस बाय द वेसिलस लाइकेनी फॉर्मिस, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट सही है बट एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। डीएनए पॉलीमरेज इज प्रोड्यूस बाय द ट्राइकोडर्मा रेसी, तो फर्स्ट एंड थर्ड आज करेक्ट, एनसीईआरटी के बाहर का पॉइंट है, एक सवाल ये, बट कभी कभी चीजें आ जाती हैं इसलिए, और ये सारे सवाल एग्जाम के आए हुए हैं ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या सही है, और आप जानते हैं कि एग्जाम के आए हुए सवाल दोबारा रिपीट हो सकते हैं क्योंकि वही एक दो सवाल बाहर से जो आ जाते हैं, तो किसी भी सवाल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक कैन किल बैक्टीरिया बट डिसइंफेक्टेंट डू नॉट, ठीक है एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं लेकिन डिसइंफेक्टेंट वो नहीं कर सकते, मतलब डिसइंफेक्टेंट ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों को खत्म कर देता है उस थोड़े टाइम के लिए। एंटीबायोटिक्स आर ऑफ माइक्रोबियल ओरिजिन बट डिसइंफेक्टेंट आर केमिकल कंपाउंड, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, देखिए फिलहाल ये ठीक लग रहा है मुझे, बी सही है, लेकिन आपका जो पहला पॉइंट है डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरिया को नहीं मारता ये सही नहीं है, मार देता है थोड़ा बहुत, एंटीबायोटिक्स कैन बी, मुझे भी देखना पड़ेगा, तो बी तो सही है, बाकी भी देखते हैं। एंटीबायोटिक्स कैन बी इंजेक्टेड इन पेशेंट हुअर डिसइंफेक्टेंट और नॉट, ये भी ठीक है, डिसइंफेक्टेंट को आप इंजेक्ट नहीं कर सकते लेकिन एंटीबॉडी को कर सकते हैं, एंटीबायोटिक को कर सकते हैं, सॉरी, तो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, तो आई थिंक बोथ बी एंड सी, यस डी आंसर करेक्ट, याद रखिएगा एंटीबायोटिक
बैक्टीरिया को किल कर सकता है, डिसइंफेक्टेंट भी कर सकता है, और एंटीबायोटिक को हम इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं, तो डिसइंफेक्टेंट को नहीं दे सकते हैं। एंटीबायोटिक माइक्रोबियल ओरिजिन का है और डिसइंफेक्टेंट केमिकल ओरिजिन का है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जहाँ पे आप बनाने की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में आपके पास दो कॉलम दिए हुए हैं और इन दोनों कॉलम को मैच करना पड़ेगा। दो पेज पे है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिससे गलत ना हो। बीओडी, अब बीओडी की बात करें तो पहला तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि और ऑप्शन आगे क्या दिया हुआ है। तो KBIC मीजर ऑफ ऑर्गेनिक इन वाटर, बीओडी जो है वो ए सेकेंड से मैच कर जाएगा आसानी के साथ। और आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ, आप मैच कर लीजिएगा, जिसमें कुछ समझाना नहीं है, मैचिंग है। और आप आगे जब मैच करेंगे तो ए का सेकेंड, दो ऑप्शन था हमारे पास, और डी, तो ए का सेकेंड, बी का 5, डी आंसर होगा इसका, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, फ्लॉक्स इज, तो फ्लॉक्स क्या है, फ्लॉक्स क्या है, हमने पढ़ा था जब ट्रीटमेंट, तो फ्लॉक्स जो होता है एक मेस लाइक स्ट्रक्चर है फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट इन द सीरीज ट्रीटमेंट। पूरी कहानी आप जाके पढ़िएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल, याद रखिएगा। 37 का सी, आइडेंटिफाई द सेट विच ऑल ऑर्गेनिज्म यूज इन द बायो कंट्रोल एजेंट। बहुत अच्छा सवाल है ये, वो सेट छाटिए जिसमें सारे के सारे बायो कंट्रोल एजेंट हैं। तो पहला ऑप्शन ट्राइकोडर्मा, न्यूक्लोपोलीहेड्रोवायरस, वैसेलस थुरंजिस, लेडीवर्ड, यस सही लग रहा है ये। ड्रैगन फ्लाई, वैसेलस, लेडीवर्ड एफिड्स नहीं, पेनिशिलियम, एस्परजिलस की वजह से काट दीजिए, एस्परजिलस की वजह से काट दीजिए, तो आंसर शुड बी ए, इसमें सब के सब बायो कंट्रोल एजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है सर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड इंक्लूड करेक्ट वंस, सिर्फ सही वालों को छाटिए। तो सिंगल सेल स्पायरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है, सही लग रहा है ये। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो है ये सही हो गया। बॉडी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लेस, छोटे होते हैं लेकिन अपने से बहुत ज़्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं एज कम्पेयर टू काउ। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो ये तीन आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए सब में सही होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। कॉमन बटन मशरूम आर वेरी रिच इन विटामिन सी, जी नहीं, प्रोटीन में। रिस एराइस वैरायटी, गोल्डन राइस की बात कर रहे हैं, डेवलप विज ए वेरी रिच इन कैल्शियम, विटामिन ए में ज़्यादा होता है, तो दोनों गलत हो गया, आंसर शुड बी 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 40, अच्छा सवाल है ये भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, याद जरूर कर लीजिएगा इसे, क्योंकि कभी कभी ये सवाल आ जाता है। पेनिसिलिन कहाँ से मिलता है, तो पेनिसिलिन पेनिसिलियम क्राइसोजेनम कॉमर्शियली, विक्ट्रासन वैसेलस लैकनीफॉर्मी, ग्रेसोफलमिन वैसल, अब ये मैच हो जाएगा नाम से, बट ये स्ट्रेप्टोकाइनिन वैसेलस ग्रेसियस से नहीं मिलता, स्ट्रेप्टोमाइसिन सॉरी, ये कहाँ से मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, बेसिलस हटा दीजिए और ग्रेसियस मैच कर दीजिए तो फिर आंसर हो जाएगा, कोई कसर नहीं छोड़ी एग्जाम गलत कराने के लिए। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम इट, करेक्ट छांटिए और उनके प्रोडक्ट को भी छांटिए, आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मोनास्कस परपीरियस लार्ज होल्स इन स्विस ची, अब देखिए ये गलत है, अब तक हम लोगों ने इसको याद कर लिया कि लार्ज होल कौन कर रहा है, प्रोपियानी बैक्टेरियम सरमानी, तो ये हमारा सही नहीं सेंटेंस है, गलत है। स्ट्रेप्टोमाइसिस सिरिविसाई यूज फॉर मेकिंग वाइन वेयर आफ्टर डिस्टिलेशन, अब देखिए 41 नंबर में जो आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है वो ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि आफ्टर डिस्टिलेशन नहीं, बिफोर डिस्टिलेशन। स्ट्रेप्टोकॉकस प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोकाइनेज विच यूज एज अ रिमूव क्लॉट्स, क्लॉट को रिमूव करते हैं, ब्लड ब्लड वेसल्स, इसमें अगर कोई क्लॉट हो गया तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जाके इसको डिलीट कर देता है। एस्परजिलस नाइकस प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड एंड बिटारिक, बिटारिक नहीं मिलता सब, तो कुछ आंसर सी क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज फर्मेंटेड ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट से क्या बनता है, इथेनॉल, एल्कोहल, तो आंसर शुड बी बी। ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बायोगैस प्रोड्यूस इंक्लूड्स, बायोगैस में क्या होता है, अभी हमने पीछे आपको बताया कि बायोगैस में CH4 होगा, CO2 होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड की हम बात कर सकते हैं, हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन गलत, ऑक्सीजन गलत,
answer should be C. Question number 44. Biogas production is carried out by, पीछे हमने बात कर लिया है बायोगैस किससे बनता है, एनारोबिक बैक्टीरिया नाम मेथनोजेंस, मार्क कर लीजिएगा, आंसर शुड बी बी. इजी क्वेश्चन है बट मैं चाहूँ यही सब बार बार पूछा गया भैया, कोई और सवाल आता नहीं है. द माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट फॉर बटरफ्लाई कैटरपिलर, अब बटरफ्लाई कैटरपिलर के लिए क्या आंसर होगा आपको पता होना चाहिए, वेसेलस थुरिंजियंसिस, आपने इजिली पढ़ा हुआ है इन पॉइंट्स को. सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, अब अगर रॉन्ग स्टेटमेंट की आप बात करें तो कौन सा, तो 45 का आंसर ए रॉन्ग स्टेटमेंट. ह्यूमन इंसुलिन, अगर आप बात करें ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन में क्या होगा, इज बीइंग कॉमर्शली प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल, किसके लिए होगा ट्रांसजेनिक, आप करिए इस सवाल को फिर आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, काफ़ी देर से मैं ही बोल रहा हूँ, आप भी करिए. चलिए पहला सेंटेंस सही लग रहा है, यस, दूसरा पढ़िए. ट्रांसजेनिक मॉडिफाइड वेसल्स थुरिंजियंसिस यूज ए पावर फर्टिलाइजर अदर द कमर्शियल स्केल, ठीक लग रहा है, यस ठीक है. चलिए तीसरा पढ़िए. ये भी ठीक है. ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन जो आपका है ये क्या करता है, अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, यस बिल्कुल सही, ट्रीटमेंट एम्फिजमा के लिए इस्तेमाल, तो पहला भी सही दूसरा भी सही तीसरा. बीटी टॉक्सिन क्राई वन एसी कंट्रोल कॉर्न बोरर, जी नहीं, किसको करता है बताइए जरा, कॉटन बॉलवर्म, करेक्ट, किसके लिए है कॉटन बॉलवर्म, ये बडवर्म कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा, बोलिए. चलिए तो आंसर इसका क्या हो गया, डी, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 47. बायोपेस्टिसाइड दैट इज यूज इन द प्रोवेशन ऑफ हर्बेरियम, अब देखिए अगर आपने लिविंग वर्ड पढ़ा हुआ है तो हर्बेरियम को फॉर्मेशन के दौरान हम एक बायोपेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं जिससे कि पर्टिकुलर जो चीज़ है वो हमारी क्या हो जाए, वो उसकी डेथ हो जाए, वो ड्राइड हो जाए, सूखने में थोड़ा सा हेल्प करता है, तो सूखने में हेल्प करने के लिए हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड मिला देते हैं, याद रखिएगा क्या मिला देते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड. तो भैया मर्क्यूरी क्लोराइड को टिक कर लीजिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है ये. क्वेश्चन नंबर 47 था हमारा. ओके क्वेश्चन नंबर 48, इसमें फर्स्ट बायोसाइड्स लिखा हुआ है, आप बायो इंसेक्टिसाइड करके कर लीजिएगा, फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड और आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, पहले मिलता था ये. अब अगर इसमें हमारे पास आंसर दिया होता बैसिलस थुरिंजियंसिस तो उसके करते, तो वो दिया नहीं है स्पोरिन वगैरह, तो फिलहाल आंसर पुराना सवाल है ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड का, क्योंकि पहले ये बहुत ब्रॉड लेवल पे इस पे सवाल बनते थे, अब नहीं है और अब तो बैन भी किया जा चुका है गैमेक्सिन वगैरह इंडिया में. वायरस ऑफ द जीनस, तो आंसर शुड बी 48 का क्या हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड नहीं होगा क्योंकि ये मैलाथियर वगैरह होता है, DDT कर लीजिएगा. चलिए वायरस ऑफ द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस आर द इम्प्लॉयड एज बॉडी एक्समैक्चर थ्यूरोसाइट, ठीक है, वायरस ऑफ द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस आर इम्प्लॉयड, अब ये किसके लिए है याद कर लीजिए साहब, अब तो बहुत बार हो गया, बायो कंट्रोल एजेंट, लास्ट में चूंकि सवाल बार बार रिपीट हो जाता है तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो 14 अब याद करते रहिएगा हमेशा किस लिए होता है ये. क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स इन द कॉलम वन, दोनों को मैच करिए, जल्दी से मैच करिएगा, खुद से करिए, आई एम रीडिंग. ब्लू ग्रीन एल्गी एज ए बायो फर्टिलाइजर, 50 में बताइए क्या होगा आंसर, पी का एजोस्पर्म, बोलिए फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया वेसेलस सबटिलिस मिल सकता है, 50 का ए, पी को थर्ड से मिला दीजिए, सारे प्रॉब्लम खत्म, पी को थर्ड से मिला दीजिए एना बिना, क्यू को फर्स्ट से मिला दीजिए, फंजाई बायो फर्टिलाइजर, फ्री लिविंग नाइट्रोजन, अब बताइए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किसके साथ मिलाएंगे, आर को फाइव से मिला दीजिए, अभी बताया था मैंने, एजोस्पर्म एंड एजोटोबैक्टर, फॉस्फेट सेलुलाइजिंग थायोवेसलस सेकेंड, तो आंसर शुड बी ए. आपने कितने सवाल सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड इसमें और क्या इम्प्रूव हो सकता है आपको
कितना अच्छा लगा, आप कितना इंटरटेन कर पा रहे हैं, कितना आपको फ़ायदा मिल रहा है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए, आज टॉपिक के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। हमने आपको कम्युनिटी में दिया हुआ था कि कौन सा टॉपिक रिविज़न क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, क्रैश कोर्स में। तो अब तक जो भी आंसर आएंगे, जो मैक्सिमम होगा उसी से शुरू किया जाएगा, और ये आई होप कल से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, 12 बजे हम लोग मिलेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में, 7 पे हम लोग मिलेंगे एग्जाम्पलर सीरीज़ में, और रात में मैं आपको डाल दूंगा 10 बजे के आसपास, 9-10 के आसपास में ये रिवीजन सीरीज़ का, आपको एक चैप्टर पर डे, अगर बड़ा चैप्टर 2 सेक्शन में, अगर एक छोटा चैप्टर है तो 1 सेक्शन में। और जो आज पढ़ेगा क्वेश्चन जिस चैप्टर का, उसी के इम्पॉर्टेंट सवाल दूसरे दिन आपको मिलेंगे। तो आज तो हमने कर लिया, अब अगर आज पॉसिबल होगा तो आज ही हम कल के टॉपिक का कर देंगे। तो मतलब जो कल हमें 12 बजे क्वेश्चन जिसके सॉल्व करने हैं, उसके चैप्टर का आज ही हम डाल देंगे यूट्यूब पे, जिससे कि आप रिवीजन कर पाएँ और दूसरे दिन इजीली आप उसके क्वेश्चंस कर लें। तो इसका मतलब क्या होगा, आप बायो अच्छे से कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री आप खुद से करते रहें, बायो में आपको पेन नहीं लेना है। तो थैंक यू, आई होप यू एन्जॉय दिस, धन्यवाद, शुक्रिया।